ओके सो आज जो है हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट के कंटेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और किस तरीके से हम जो है एक अच्छी रिपोर्ट को बना सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली जो है लेक्चर में देखे थे कि डिफरेंट रिपोर्ट्स से उनके कंटेंट्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट जब हम बना रहे हों तो उसके कौन कौन से कंटेंट्स हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो कहता है कि जी फीचर्स ऑफ इफेक्टिव रिपोर्ट, कि ए इफेक्टिव रिपोर्ट क्या होगी। ठीक है, इफेक्टिव मैंने आपको क्या कहा कि जो इंटेंडेड पर्पस अपना अचीव कर लें, जिस मकसद के लिए आप उसको बना रहे हो वो अगर अपना मकसद अचीव कर लेता है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज इफेक्टिव। ठीक है, लेट्स से एक बीमारी में जो है आप एक मेडिसिन ले, डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है और आप उससे ठीक हो जाते हो, तो वो कहते हैं कि जी ये जो है मेडिसिन इफेक्टिव थी, इससे जो है रिकवरी रेट ज्यादा था। इसी तरीके से जब आपने रिपोर्ट बना ली है या आप रिपोर्ट बना रहे हो तो आपको जो है इस चीज को देखना होगा कि मैं जब एक रिपोर्ट बना रहा हूँ तो ये एक अच्छी रिपोर्ट कैसे बनेगी, कि मैं जब इतनी मेहनत कर लूंगा, इतना जो है इस पे टाइम लगा लूंगा, ठीक है, कॉस्ट इनकर कर लूंगा और उसके बाद वो इंटेंडेड पर्पस अचीव ना हो तो क्या फायदा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, कोशिश यही करनी पड़ती है कि आप एक इफेक्टिव रिपोर्ट बनाओ ताकि वो आपके जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके। और इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा हमारे जहन में क्या आता है, वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट लें, बात कैसे शुरू होगी। सो कहते हैं कि द टास्क ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट कैन बी डाउंटिंग, लीविंग द ऑथर विद अ हेल्पलेस फीलिंग्स ऑफ वेयर टू स्टार्ट। दिस नीड्स नॉट टू बी द केस इफ यू फॉलो द गाइडेंस इन दिस स्टडी मैनुअल। ठीक है, कहते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि आपका जो है जब भी राइटर होता है वो हमेशा अपने आप को जो है अकेला फील करता है। कहते हैं कि जी मैं जो है अब कहाँ से स्टार्ट लूँ। ठीक है, वो जो एक खौफजदा से फील करता है। लेट्स से जैसे आप क्या करते हो क्लास में, आपको जो टीचर कह दे कि जी आप आ जाएं, आप एक्सप्लेन करें इस टॉपिक को, तो आप जहन में सोच रहे होते हो कि यार मैं कहाँ से इस बात को स्टार्ट करूँ, इस टॉपिक को मुझे कहाँ स्टार्ट करना चाहिए। या जो है मैं आपको कहता हूँ कि जी आज जो है आप अपने बारे में लिखो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जी अब कहाँ से स्टार्ट, मैं अपने बारे में क्या लिखूँ। तो इसी तरीके से जब आप जो है राइटिंग का जिक्र करते हो तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि जी आप जब राइटिंग की बात आ जाती है तो वहां पे भी जो है आपने अपने राइटर को डॉन्टिंग लिविंग में हम कहते हैं कि जी खतरनाक सिचुएशन में आपने उसको पुट कर दिया और वो बेचारा अपने आप को जो है हेल्पलेस फील करता है कि यार अब मैं रिपोर्ट को कहाँ से स्टार्ट करूँ, इंट्रोडक्शन पहले करूँ, मैं जो है मेन चैप्टर की तरफ आ जाऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, सो कहते हैं कि अगर आप जो है इन बुक की जो है कॉन्टेंट्स को फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको जो है ये चीज फील नहीं होगी कि जी मैं जो है कहाँ से स्टार्ट लूंगा। जैसे कि हमने कहा था कि जी प्रीवियसली इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या थी, हमने कहा था कि जी आप जो है इन चीजों का ख्याल रखो कि आपका रीडर कौन होगा, राइटर कौन होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो ये अगर कंपोनेंट्स आपके जहन में होंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा ओवरव्यू मिल सकता है, आपके माइंड में थोड़ा सा एक बेहतर आइडिया आ सकता है। क्यों एक अच्छा आइडिया आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास जो है क्या जो है स्टार्ट आ सकता है कि आप जो है इस चीज को देख सकते हो कि लेट से मैं जो है बात कर रहा हूँ तो किससे कर रहा हूँ, कौन मेरी बात सुनेगा। ठीक है, जब आपको उसके जो है लेवल का पता चल जाएगा तब भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो सकता है कि मैंने जो है कैसे स्टार्ट लेना है। सो यहाँ से आप जो है इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, फिर आप जो है देखते हो कि जी लिखने वाला कौन होगा, मैं जो है लेट से राइटर हूँ तो मुझे कैसे लिखना चाहिए, कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी नहीं, मेरा मकसद क्या है, ठीक है, मेरा जो है सब्जेक्ट क्या होगा, और ये सारी की सारी चीजें जब आपके माइंड में क्लियर होंगी तो तभी जाके आप जो है राइटिंग की तरफ जा सकोगे। सो कहते हैं कि यू शुड स्टार्ट बाय कंसीडरिंग द क्वेश्चन बिलो व्हिच ऑल नीड आंसरिंग इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली मैनेज द रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस। कि आपको जो है फिर वन बाय वन इन सवालों के जवाब आते हैं, अगर आप इन सवालों को माइंड में रख लोगे तो जब आप राइटिंग करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी स्टार्ट करने में। पहली चीज क्या है, कहते हैं कि व्हाट इज द रिपोर्ट मीन टू बी अबाउट, कि रिपोर्ट किस मकसद के लिए, किस चीज के बारे में आप बना रहे हो। मेडिकल रिपोर्ट है, मार्केटिंग रिपोर्ट है, फाइनेंस रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, किस चीज के बारे में रिपोर्ट बना रहे हो आपको वो पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, वेयर विल यू फाइंड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपको जरूरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। ठीक है, कि आप जो है क्या कर रहे हो, लेट्स से आप जो है मार्केटिंग रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, मार्केट के बारे में तैयार कर रहे हो, तो जब आप मार्केट की रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो आप मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन किस से लोगे। जब आपको जो है ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जी मैंने कस्टमर के पास जाना है, मैंने इस जो है लेट्स से पेशावर में जो है मैंने टारगेट करना है, यूनिवर्सिटी रोड को टारगेट करना है, तो आपके पास डेटा आना आसान हो गया। अब आपने एक चीज को पुट कर दिया कि जी मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी रोड पे जाऊंगा, यूनिवर्सिटी रोड पे कस्टमर्स जो आते हैं मैं उनसे मिलूंगा, उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा, मेरे पास जो है जो जो रिपोर्ट आती जाएगी
मेरा काम जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनिशिएटिव मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड, हु इज गोइंग टू रीड द रिपोर्ट, वही बात कि आपका रीडर कौन होगा। अगर आपका जो है क्या कर रहे हैं कि कंपनी का मैनेजर या एग्जीक्यूटिव रीड करेगा, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी पर्सपेक्टिव से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो इतने डीप टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहेगा, आपको वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो आप जो है क्या करोगे, एक डिटेल रिपोर्ट की तरफ जाओगे। अगर आपका जो है वॉलंटियरली कर रहे हो, तो फिर आपके जो है चेंज हो जाएगा स्टाइल, कि आप जो है मजीद फ्रेंडली उसको बनाओगे, ताकि आप जिसके पास ये रिपोर्ट लेकर जाओ वो इसको आसानी से समझ सके। आपने अपनी आसानी के लिए उसको नहीं बनाना, कि आप उसको समझ सको। हाउ लॉन्ग शुड द रिपोर्ट बी, ठीक है उसके लेंथ क्या होनी चाहिए, 20 पेजेस, 40 पेजेस, 50 पेजेस, ठीक है 500 पेजेस, कितने पेजेस की रिपोर्ट आपने बनानी है, ये लेंथ जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइट, उसके लिखने का टाइम भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि जब आप उसको लिखोगे तो वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, कि आप जो है पहले डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसकी जो है एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद कहीं जाके फिर आप क्या करोगे, बैठोगे उसको लिखना शुरू करोगे कि जी इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है, जैसे मैंने स्क्रिप्ट को था, कि आप जो है टाइटल क्या दोगे, फिर उसके बाद जो है एक्सप्लेन कैसे करोगे, फिर जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स को कैसे डिस्कस करोगे, तो वो एक लेंथी प्रोसीजर है। तो आपके पास एक टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक मसले के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो और वो आपने जो है 10 सालों में कंप्लीट कर दिया, 5 सालों में, या 1 साल बाद ही चले लेट से हम कहते हैं, या 6 महीने बाद कंप्लीट कर दिया, और जिसकी जरूरत आज थी वो आप 6 महीने के बाद दे रहे हो, तो उसको क्या फायदा होगा। तो आपको टाइम फ्रेम को देखना होगा कि मुझे कितना क्विकली इसको कवर करना है। व्हेन यू विल हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड राइट इट, ठीक है कि आपके पास क्या जो है टाइम होगा, ठीक होगा आपके पास, कि व्हेन विल यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि कि आपके पास जो है कितना टाइम है इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, कितना टाइम है आपके पास लिखने के लिए, ठीक है, तो वो सारे के सारी चीज़ें आप कंसिडर करोगे कि मैं जो है किस चीज़ को कितना टाइम दूंगा, कितने टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इन चीज़ों को कवर करना है। तो जब आप जो है इन 6 सवालों के जवाब जो है अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेते हो, अपने पास जो है एक रफ से जो है उसका स्केच बना लेते हो, तो तब आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है इसको क्या करो, आप फिलअप करो, और वो जो है आपके पास एक इफेक्टिव फिलअप होगा। ठीक है, लेट से आप क्या कर लेते हो कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जी पाकिस्तान के बारे में लिखे, या मैं आपको कहता हूँ कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में लिखें, ठीक है, या पाकिस्तान के जो है बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज के बारे में लिखें। तो आप पहले जो है नाम ढूंढोगे कि कौन कौन सी कंपनियां बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही हैं, ठीक है, आपने नाम लिख लिया, नाम के बाद आप एक एक को जो है रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, उसको पढ़ोगे। तो इस तरीके से आप जो है डेटा गैदर करके उस सबको पढ़ोगे, फिर उसके जो है अंडरलाइन करोगे इन्फॉर्मेशन को, और फिर राइटिंग के लिए बैठोगे। तो इस तरीके से अगर आप जो है स्टेप वाइज चलोगे, तो आपकी रिपोर्ट जो है बहुत इफेक्टिव प्रिपेयर हो सकती है। फीचर्स क्या होंगे, खसूसियात क्या होती है, ठीक है, कि अगर आप जो है कहते हो कि जी ये रिपोर्ट इफेक्टिव है, तो उसके फीचर्स क्या होंगे। योर ऑब्जेक्टिव इज टू राइट अ क्रेडिबल रिपोर्ट दैट इज सिंसियर एंड अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प डिस्टिंग्विश एन इफेक्टिव रिपोर्ट, ठीक है कि आपके जो है मकसद क्या है, कि आपकी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो क्रेडिबल हो, ठीक हो गया, जो सिंसियर हो, ठीक हो गया, जो आपके मकसद को अचीव करे, आपके जिस पर्पज के लिए आपने इतना टाइम लगाया हुआ है, जितनी एफर्ट्स पुट किए हुए हैं, वो सारे के सारे जो है अचीव हो सके। तो आप जो है उसके लिए क्या करोगे, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे सारे मकसद आपके इंटरनेट पर्पज आपका अचीव हो जाए, जिस मकसद के लिए आप लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, जब वो पर्पज आपका अचीव हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं कि जी वाकई हमारी जो है रिपोर्ट क्या है वो इफेक्टिव है। लेकिन अगर हमारा जो है इंटेंडेड पर्पज जो है वो अचीव नहीं हो रहा, हमने जो है इतनी एफर्ट्स लगाई और वो अचीव ही नहीं हुई, तो फिर आपकी जो है रिपोर्ट को हम इफेक्टिव रिपोर्ट कभी भी नहीं कह सकते, हम उसको कहेंगे कि जी ये जो है एक बैडली रिटन रिपोर्ट है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप जो है कहते हो कि मेरी रिपोर्ट जो है इफेक्टिव है, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे जिसको आप अंदाजा लगा सकते हो कि जी वाकई ये रिपोर्ट जो है बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। सो कहता है कि जी उसमें पहली चीज आपके पास आ जाती है फिट फॉर पर्पस, जिस मकसद के लिए लिखी गई है वो पर्पस जो है उसका अचीव हो रहा है, ठीक है, डिसीजन उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, ठीक है, इजी टू रीड एंड फॉलो, पढ़ सकते हो उसको, समझ सकते हो उसके इंस्ट्रक्शंस को, फॉलो कर सकते हो, करेक्ट इन फैक्ट एंड लैंग्वेज, ठीक है, कंसाइज, पर्सुएसिव, एक्शन बेस्ड, क्लियर, गेट टू द पॉइंट, ठीक है, कि आपके पास जो है जो मकसद है उसका वो भी अचीव हो जाता है, या आप जैसे उसको पढ़ते हो कहते हो कि हाँ वाकई यार ये तो जो है इसी के बारे में लिखा गया, बड़े तफसील से बताया गया, बहुत अच्छे मालूमात हमें हासिल हुई ऐसे, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो, फ्रेंडली होता है, ठीक है, आप उसके बेसिस पे डिसीजन भी ले सकते हो, आपको जो है इनकरेज करने के लिए अगर आपने बनाई हुई तो वो आपके पास जो है थोड़ा सा इनकरेजमेंट भी हो सकता है। अगर आप कोई एक स्टेप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, आपने एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कर दिया, चाहते हो कि ये जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, तो अगर वो जो है इस पर्पस के ऊपर जो है आ जाता है कि जी हम जो है इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर मकसद क्या हुआ कि आपकी रिपोर्ट जो है बड़ी इफेक्टिव थी, कि उस पर जो है डायरेक्टली उन्होंने एक्शन ले लिया।
So again, in summary, an effective report says everything it needs to without using unnecessary words. वही बात कि unnecessary extra words आपको जरूरत ही नहीं पड़ेंगे. आपने रिपोर्ट को इतना जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है कि जो बंदा इसको देखता है वो समझ जाता है कि जी इसका पर्पस क्या है, मेरा एक्शन प्लान इसके बाद क्या होगा. बैड रिपोर्ट के फीचर्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये जो है बैड रिपोर्ट है. ठीक है, सो पहली चीज कहता है कि डज नॉट सर्व इट पर्पस, लीव द रीडर्स क्वेश्चन अनआंसर्ड, हार्ड वर्क, बोरिंग एंड इरिटेटिंग टू रीड, स्टिल नीड्स बेसिक एडिटिंग, इनकंसाइज, लीव द रीडर अनकन्विंस्ड एंड और इन डिसएग्रीमेंट, यू ओवरयूजेस द पैसिव वॉइस, इज मडल्ड एंड इलॉजिकल, इज स्टोरी लाइक रादर देन बिजनेस लाइक, इंडिसीजन. ठीक है, कि जाहिर सी बात है कि बैड रिपोर्ट का हमें कैसे पता चलेगा कि जब उसका जो है अपना मकसद वो अचीव ना कर रहा हो, जब जो है उसको आप पढ़ रहे हैं और आपको जो है उसके अपने माइंड में जितने भी आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके वो आंसर ना हो रहे हैं, तो आपको जो है डाउट होगा कि यार ये किस तरीके से रिपोर्ट थी, मेरे जो है आंसर जो है इसमें सॉल्व ही नहीं हुए. लेट्स से मैं आपको क्या कहता हूँ कि एक जो है टॉपिक देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि जी इस चैप्टर में जो है इन क्वेश्चंस को ढूंढा, अब वो जो है क्वेश्चंस कुछ और हैं उस टॉपिक में, वो चीजें हैं ही नहीं, तो आपकी जो है सिचुएशन क्या होगी, आपको जो है वो क्लियर नहीं होगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको मिले ही नहीं, तो आपके डाउट होंगे. ठीक है, आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, आपको समझ ही नहीं आती, इतने मुश्किल अल्फाज होते हैं. ठीक है, उसमें जो है मिस्टेक्स होती हैं, या फिर आपके पास जो उसका मुख्तसर नहीं लिखा होता, या जो है उसके जो है जो आइडियाज हैं वो इलॉजिकल होते हैं, कोई सेंस ही नहीं बन रहा होता. ठीक है, उसमें जो है वो क्या होते हैं आपको मजीद परेशान कर देता है कि यार ये जो है क्या अजीब सा लिखा हुआ है, एक बात एक चीज में एक जगह पे एक बात कर रहा है, दूसरी जगह दूसरी बात कर रहा है. ठीक है, या जो है वो स्टोरी की तरह होता है, बजाय इसके कि वो बिजनेस का पैटर्न फॉलो करे वो स्टोरी की तरह होता है. ठीक है, तो जैसे आपके पास जो है वो इंसेप्शन मूवी है, ठीक है, उसकी तरह होता है कि बार बार एक बंदा जो है जिंदा हो रहा है, फिर एक सीन में आ रहा है, फिर दूसरा, फिर दोबारा वापस शुरू हो जाता है, वही चीज फिर शुरू हो जाती है. तो इस किस्म की अगर आपने जो है रिपोर्ट बनाई हुई है कि आप एक टॉपिक को एक दफा डिस्कस कर चुके और आप दोबारा फिर आके जाते हो, फिर वही बात दोबारा से आप शुरू कर देते हो दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो फिर वो जो है डाउट में आ जाता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, इसमें तो वो चीजें हैं ही नहीं, आखिर ये इसका मकसद क्या है, कहने का पर्पस क्या था इसका, ये रिपोर्ट बनाई किस लिए गई थी. तो इस चीज के अगर ये फीचर्स इसमें होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये रिपोर्ट जो है बैड रिपोर्ट है, ना पढ़ने के काबिल है. ठीक हो गया, कि आप जो है क्या कर सकते हो, इसको जो है अवॉइड करो, फिर कोई जो है इसको पढ़ेगा भी नहीं. अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो और वो इस तरह की जो है आपने रिपोर्ट तैयार कर ली तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, तो आपने अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, आपने कॉस्ट को अपने लिए इनकर कर दिया. सो कहता है कि नोट दैट आर्गुएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अकर राइट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग द रीडर. ये सबसे इंपॉर्टेंट कहता है कि जी आपके पास जो है स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव आपको पर्पस पता होना चाहिए, किस मकसद के लिए कर रहा हूँ और उसको पढ़ेगा कौन, तो आपको सारे के सारी चीजें पैटर्न आपकी जो है वाजे हो जाती है. ठीक है, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि जी एक जल्दी से एप्लीकेशन लिखो, मैं आता हूँ 5 मिनट में. आपके माइंड में जो है क्वेश्चंस होंगे कि किस चीज के बारे में लिखो, किसको लिखना है. ठीक है, या मैं आपको कहता हूँ कि जी मुझे जो है अर्जेंट एक छुट्टी की दरख्वास्त लिख कर देना, आप उसको लिख लेते हो स्कूल के पैटर्न में. ठीक हो गया, आई बैक टू से दैट और दिस थिंग, मैं आ जाता हूँ, आपको कहता हूँ कि ये क्या लिख दिया यार, मैंने तो जो है इसको सीईओ को देना था. अब सीईओ का आपको पता नहीं था तो आप जो है उस फॉर्मेट में नहीं लिख सके, आप कहोगे यार पहले बता देते तो मैं जो है उसी तरीके से ऑफिशियल तरीके से लिख लेता. ठीक है, तो आप जो है उसके बेसिस पे जो है क्लियर नहीं होते. ठीक है, डिसिसिव मीन हम जो है उस पर डिसीजन नहीं ले सकते. ठीक है, उसका जो है कोई एंड रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा होता, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना चाहिए, अपने रीडर को क्लियर करना चाहिए. जैसे कि इन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया, कहता है कि व्हेन अ क्लाइंट कमीशंस अ रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, an insurance report or a fraud investigation report, they must be specific about their needs and the deadline. If there is ambiguity at the initial report commissioning stage, then the client is likely to reject the report as not meeting their expectation, however good the report might be. ठीक है, कि आपके जो है क्या है कि अगर आप जो है एक commission report बना रहे हो, आपके client ने आपको कहा कि जी एक जो है हमारे report तैयार करो, और वो जो है किस चीज़ के बारे में हो सकती है, वो जो है फ्रॉड के बारे में हो सकती है. ठीक हो गया, या जो है आपके पास एश्योरेंस के बारे में हो सकती है. ठीक है, कि आप जो है एक चीज़ को देख रहे हो, ठीक हो गया, उसके यकीन दहानी करा रहे हो कि वाकई ये जो है इस तरीके से इंसिडेंट हुआ था या नहीं हुआ था, आप उस चीज़ को कंफर्मेशन कराने के लिए करा रहे हो, या फिर आप किस चीज़ की तरफ आ रहे हो, ड्यू डिलीजेंस की तरफ आ रहे हो, कि आप देखते हो कि जी आपके पास जो है ये जो एक पर्पजफुल एक्टिविटी हुई थी, या जो है ये एक काम हुआ था, क्या ये जो है प्रॉपर तरीके से हुआ था कि नहीं हुआ था, इसमें कोई सेफ्टी मेजर्स वगैरह इन्होंने किए थे कि नहीं, या जो है ये एक बेटर रिपोर्ट है कि नहीं है. ठीक है, या जो है उस सिचुएशन को देख के आपको बताएं कि जी इस ये रीज़न जो है वाकई ठीक थी,
कोई जो है स्टेप्स उन्होंने लिए थे जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो वो जो है कंपनी इफेक्ट हुई थी, तो आप उसको चेक कराते हो कि जी वाकई ये जो है इस बंदे ने पर्पजफुली किया था या अनइंटेंशनली इसने ये डिसीजन ली थी। सो कहता है कि अगर आप जो है इस किस्म की रिपोर्ट आपसे मांगी जाती है, ठीक है, तो वो आपके पास जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए और डेडलाइन पूरी करनी चाहिए। अगर आप जो है क्या कर रहे हो कि वो जो है आपके पास एम्बिग्विटी क्रिएट करता है, ठीक हो गया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा कि वो आपकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो जो है जिस एक्सपेक्टेशन के साथ उसने कहा था, लड़से उसने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था और आपकी जो है कहानी स्टार्ट में चल रही है, ये पता नहीं चल रहा कि जी आपने जो है इसमें आगे जाके जिक्र किया होगा कि नहीं किया होगा कि फ्रॉड कैसे हुआ था। आप सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करते हो कि जी फ्रॉड क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, फिर उसके बाद जो आप कहते हो कि जी ये कंपनी क्या है, ये कंपनी में कितने लोग हैं, इस कंपनी ने जो है कितने प्रोडक्ट्स भेजे थे। अब वो बंदा जो है इसको देख के कहेगा कि यार ये कहानी सुना रही है, किधर जा रहा है, मैंने इसको कहा था कि मुझे ये बताओ कि ये फ्रॉड कैसे हुआ था, और आप वो सिरे से लेके जो है ए से लेकर जो है जेड तक कहानी लेकर आ रहे हो, तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। या फिर अगर आपने जो है टाइम के अंदर नहीं पूरा किया, जैसे मैं आपको कहा कि टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको टाइम के अंदर पूरा नहीं किया तो वो भी जो है उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो जो है एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करे, चाहे आपकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब टाइमलाइन के अंदर जो है पूरी नहीं होगी तो वो उसको क्या करेगा। सेकंड चीज आपके पास आ जाती है प्लानिंग योर टाइम। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास टाइम, तो वहां पे आपके लिए कहता है कि जी टाइम को प्लान करो। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट इज इफेक्टिवली अ मिनी प्रोजेक्ट एज विद एनी गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू शुड फॉर्मुलेट अ प्लान एंड मेंटेन अ चेकलिस्ट टू मॉनिटर प्रोग्रेस। क्योंकि यह कहता है कि आपके पास क्या है कि एक रिपोर्ट भी जो है काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट है, जहां पे आपको जो है टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर उसके लिए जो है टाइमलाइन बनानी पड़ती है कि मैंने कौन कौन से जो है हेडिंग्स को कितना टाइम देना होगा और कितने ड्यूरेशन के अंदर मैंने इसको कंप्लीट करना है। सो कहते हैं कि रिमेंबर टू फैक्टर इन ब्रेक्स इन योर वर्क सो दैट यू कैन रीफोकस ऑन टास्क विद अ क्लियर माइंड एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव। ब्रेक्स आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन क्लोजिंग स्टेजेस व्हेन अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ठीक है। कि आपके पास क्या हो जाता है कि इन चीजों को भी देखो कि आपके जो है काम में ब्रेक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं पे जो है ब्रेक्स भी चाहिए होंगे, आप कंटिन्यूसली ये नहीं कर सकते कि सुबह शाम 24 घंटे आप जो है बैठ के रिपोर्ट तैयार करो, बल्कि आपको ब्रेक्स चाहिए होंगे, आपका माइंड जो है बिल्कुल स्टक हो जाता है। तो आप जो है इन चीजों को भी डिसाइड करोगे कि कहाँ पे मुझे ब्रेक लेना चाहिए, मैंने क्लोजिंग पे जो है किन किन चीजों पर फोकस करना होगा, कौन सी चीजों के जो है एक्यूरेसी को मैंने जो है देखना होगा कि वाकई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में बयान करना है, किस चीज को मैंने डिटेल में नहीं बयान करना, ठीक हो गया। इन सारी की सारी चीजों को आपने देखना होगा कि कौन सी चीज ज्यादा जो है डिटेल मांगती है, कौन सी चीजें जो है एक्यूरेसी मांगती है, मैंने फिगर्स वगैरह लिखे हैं तो उसकी एक्यूरेसी को मैंने कंफर्म करना होगा। तो ये सारे की सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखना होगा। और यहाँ पे इन्होंने जो आपको एक एग्जांपल से दिए, कहते हैं कि द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट चेकलिस्ट कैन बी यूज्ड टू हेल्प मॉनिटर द प्रिपरेशन ऑफ योर रिपोर्ट। कि अगर आप जो है अपने रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो आपको जो है इसके लिए चेकलिस्ट दी हुई है कि किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। सो आपको जो है फेजेस बताए हुए हैं कि रिपोर्ट में कौन से फेजेस हैं, कौन कौन से टास्क आपने करने होंगे, कब है और कंप्लीट। आप अपने लिए जो है इस तरीके से इसका चार्ट सा बना सकते हो कि पहली चीज प्रिपरेशन, आइडेंटिफाई रीडर, आइडेंटिफाई पर्पस, आइडेंटिफाई मटेरियल सोर्स। कि आप जो है तीन चीजों का पहले जो है आंसर करो, तीन चीजों के जो है ऊपर काम करो, ठीक है। आइडेंटिफाई को हमने कब करना होगा, रीडर को हमने कब आइडेंटिफाई करना है वो टाइम लिखो, आइडेंटिफाई पर्पस को देखो कितना टाइम उस पर आपने लगाना होगा, फिर उसके बाद जो है मटेरियल सोर्सेज कब जो है आप आइडेंटिफाई करो। जब ये सारे के सारी चीजें हो जाएंगी आप जो है यहाँ पे टाइम लिख लो कि जी इतने घंटों में मैंने इसको पूरा कर लिया। फिर राइटिंग की तरफ आओगे, स्केलेटन स्ट्रक्चर, आप उसके जो है बॉडी स्ट्रक्चर बनाओगे कि जी कौन कौन से हेडिंग्स होंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी, उस पर कितना टाइम लगेगा आपका, लैंग्वेज एंड टोन, लॉजिकल लेआउट, प्रिपेयर रफ ड्राफ्ट, रिवीजन वन, रिवीजन टू, कि आपने जो है इन सब चीजों को कितना टाइम देना होगा, फिर इस सबको जमा कर दो कि जी इतने टाइम में मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया। फिर इसके बाद आप जो है थर्ड स्टेज की तरफ आ जाओगे, कम्प्लीशन, रिपोर्ट को मैंने फाइनल जो है कम्प्लीट करना है, एंड तक लेकर आना है। तो प्रूफिंग एंड एडिटिंग, फाइनल चेक, अप्रूवल, प्रिंटिंग, सेंडिंग, कि इन सब पे मेरा कितना काम लगेगा, कि मैं जो है उसके प्रूफ रीडिंग करता हूँ, उसका एडिट करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं फाइनल चेक करूंगा कि जी कोई गलतियाँ तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, फिर उसका मैं जो है अप्रूवल ले लेता हूँ कि जी वाकई मेरी रिपोर्ट जो है बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि प्रिंटिंग से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, कि आप जो है उसको अप्रूव कराओगे, एक बंदा उसको प्रॉपर चेक करेगा कि जी वाकई ये सारी रिपोर्ट है, इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको प्रिंट करोगे, और फिर आप जो है उसका टाइम लिखोगे कि जी ये कितने टाइम के अंदर आपके पास कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस चेकलिस्ट में सारी की सारी चीजें जो है डिफाइन करते हो अपने लिए। तो फिर आपके लिए ये आसानी हो जाती है कि आप जो है देखते हो कि मेरे ये चीजें मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली चल रही है कि नहीं चल रही, कहीं पे मैं लैग तो नहीं कर रहा। अगर कहीं पे आप जो है लेट्स से कह देते हो कि जी मेरा जो है मटेरियल पे बड़ा टाइम लग गया, मैंने उसके लिए 3 आवर्स डेडिकेट किए थे या
जो है 6 आवर्स डेडिकेट किए थे या 10 आवर्स डेडिकेट किए थे और वो आपके जो है 14-15 आवर्स लगे, तो अब ये टाइम जो है मैंने कहाँ पे एडजस्ट करना है, मैंने इसको कैसे ओवरकम करना है, तो वो आप जो है फिर शफलिंग करने शुरू कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है कि जी जनरेटिंग आइडियाज एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है कि आपने किस तरीके से जो है आप आइडियाज की तरफ आना है, पहले आपने हमने क्या कहा था कि प्लान करना होगा। सेकंड चीज आपके पास आ जाता है कि जी आपने जो है आइडियाज को कैसे जनरेट करना है और इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है। सो पहली चीज उसमें हम कहते हैं कि जनरेटिंग आइडियाज, ऑलवेज बियर इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट, दिस शुड हेल्प स्ट्रीमलाइन द आइडियाज प्रिपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस एंड कीप यू फोकस्ड ऑन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ओनली। Make notes of your initial ideas before you forget them. The process of making notes will normally prompt other related thoughts, creating a snowball effect. ठीक है कि आपके पास क्या हो जाता है कि हमेशा जब आप क्या करते हो कि एक टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करते हो तो आपके माइंड में डिफरेंट किस्म के आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके माइंड में आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं आपको उसको लिखना चाहिए। ठीक है कि लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि जी आप जो है क्या करो कि कैद आजम के बारे में लिखो। अब आपके जहन में जैसे ही कैद आजम का नाम आता है आप उसके पॉइंट्स आपके जहन में आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, तो अब डायरेक्टली आप उसको पेज पे लिखना शुरू कर दो बजाय इसके कि आप कहो कि जी मेरे जहन में ये चीज है। पेपर में अक्सर क्या होता है था कि आप जो एफएससी वगैरह में जब पेपर दे देते तो वहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन को देते हो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो मुझे सारा आता है। अब जब सारा आता है तो आपको चाहिए था कि आप सारे के सारे जो है उसके मेन पॉइंट्स लिख लो, लेकिन आप जब पॉइंट्स को नहीं लिखते और जब लिखना शुरू कर देते हो तो हाफ में रुक जाते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप क्या करो आइडियाज जैसे ही आपके जहन में आए आप उसको जो अपने पास लिखना शुरू कर दो ताकि आपसे भूले नहीं। सो किस तरीके से आप इसको करोगे, मेथड्स क्या है? ठीक है आपके पास कहते हैं कि क्वेश्चन फ्रॉम द रीडर, आपके जो है जो रीडर है या रिसीवर है उससे क्वेश्चंस करो। ठीक है आप उनसे पूछो किस तरीके से, इमेजिन यू आर द रीडर, खुद से अपने आप से पूछो, अपने आप को कंसिडर करो कि मैं जो है रीडर हूँ। ठीक है और मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मुझे कौन सी चीजें जानना जरूरी होंगी। ठीक है कौन कौन से क्वेश्चन जो है एज रीडर मेरे माइंड में आएंगे, तो मैं जब उन क्वेश्चन को जहन में रखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जी अगला बंदा भी मुझसे यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरी रिपोर्ट में ये चीजें शामिल होंगी। Second, your questions. ठीक है कि answer the following with respect to the written report title. कि आप अपने report को जो title दे दिया उसके बारे में अब आपने क्या करना होगा, important चीजों को देखना होगा। What, why, when, how, where, who. ठीक है कि कब ये event हुआ, क्या है ये event, ठीक है किस वजह से ये हुआ था, कौन सी date को हुआ था, कौन से दिन हुआ था, किस तरीके से process चला था सारा, कौन सी location पे हुआ था और कौन उस वक्त जो है मौजूद थे, कौन उसके जो है शवाहिद थे, क्योंकि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये सारे के सारी चीजें आपने वहां पे अपने माइंड में लानी होगी और उनको आंसर करना होगा। सेकंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि जी आप अपने जो है आइडियाज को जनरेट करो, कहते हैं कि रिकॉर्ड एवरी आइडिया यू कैन थिंक ऑफ विदाउट वरिंग टू मच अबाउट रेलेवेंस और ऑर्डर। आपके जहन में जितने जो आइडियाज आ रहे हैं, जितने ख्याल आ रहे थे, आप इस चीजों को मत देखो कि यार ये जो है सीक्वेंस ही नहीं आ रहा, आप जस्ट लिखते जाओ। सीक्वेंस बाद में आपने करना होगा कि जब आप सारे आइडियाज लिख लोगे तब आप जो है देखो ना उसको फिर लॉजिकल ऑर्डर बनाते जाओ, क्योंकि तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप जो है पहले से ही जहन में लग जाते हो कि मैं इसको कैसे करूंगा, वाइंड अप कैसे करूंगा, सीक्वेंस कैसे चलेगा, तो जो आपके जहन में आ रहा है वो भी आपसे मिक्सअप हो जाएगा और आपसे भूल जाएगा। सीक्वेंशियल नोट्स एंड लिस्ट, ठीक है कि आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे फिर जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही जब आपके जहन में आइडियाज वगैरह आ जाते हैं तो आप उसको जो है नोट्स पे लिख लेते हो और फिर उसको तरतीब देना शुरू करते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि माइंड में आइडियाज आते गए आपने लिखते गए, आपने क्या करना होगा फिर उसके नोट्स बना के उसको तरतीब देना होगा कि कौन सी बात पहले होनी चाहिए, कौन सी बाद में होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है माइंड मैपिंग एंड पैटर्न नोट मेकिंग, क्योंकि माइंड मैपिंग जो अक्सर हम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेट्स से हम कहते हैं कि जी हम एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं बारिश के बारे में। ठीक है तो अब हम कह देते हैं या जो है इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल बारिश होगी, ठीक हो गया, बारिश क्यों होती है? ठीक है हम उसके जो है एक ट्री सा बना लेते हैं, लेट्स से हम जो है क्या कर रहे थे माइंड मैप बनाते हैं, यहाँ पे हमने बारिश लिख लिया, हम कहते हैं बारिश किस वजह से होती है, ठीक है बारिश कब कब होती है, ठीक है कौन से इलाकों में ज्यादा होती है, कौन से इलाकों में नहीं होती, ठीक है कौन से लोगों की तरफ पानी का मसला होता है, कौन सी चीजें जो है बारिश को क्रिएट करती है। अभी आप क्या कर रहे हो माइंड में अपने मैप्स बना रहे, इस तरीके से मजीद आइडियाज आते जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है माइंड मैपिंग हो जाती है। तो ये आपको पूरा सा एक ओवरव्यू सा दे देता है कि हमने जो है किस तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन करना होगा, कौन कौन से कंटेंट्स जो है हमने एक्सप्लेन करे होंगे, उसका आइडिया आपको मिल जाता है। फिर आप क्या कर लेते हो कि आसानी से एक सॉफ्ट तरीके से इस चीज को कंटिन्यू कर पाते हो कि जी मैंने जो है किस तरीके से इस चीज को डिस्कस करना है, कौन से पॉइंट्स मैंने एंटर करने हैं, कौन से नहीं करने होंगे। सो इसलिए कहता है कि जी सम पीपल प्रेफर टू यूज पेपर एंड पेन व्हिल्स्ट अदर प्रेफर टू यूज अ कंप्यूटर, आइदर इज फाइन, सिंपली यूज द मेथड दैट इज मोर इफेक्टिव फॉर यू।
कोई लोग जो है माइंड मैकिंग कंप्यूटर के जरिए से ये चीजें बनाता है, कोई खुद पेंसिल से जो है हाथों से वो पूरा मैप बना लेता है, तो ये इतना जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। जो चीज आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो आप उसी के जरिए से इसको डिजाइन कर सकते हो। सेकेंड चीज हमने कहा कि रिसर्च करो, ठीक है, कि आप जो है इंफॉर्मेशन गैदर करो। सो कहता है कि देयर आर मेनी सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्चिंग, आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं कि जहां से आप जो है इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। पहली प्राइमरी सोर्स कि आप खुद जाओ, लोगों से इंटरव्यू लो, खुद पूछो उस मौके के बारे में। आप कुलीग से पूछ सकते हो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे पूछ सकते हो। आप जो है लोगों को बैठाओ, उनसे कहो कि जी ये टॉपिक है, इसके बारे में हमें बताओ कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे एक्सप्लेन हो सकते हैं बेहतर तरीके से। परफॉर्मिंग एन ऑडिट रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन, आप जो है अगर ऑडिट रिपोर्ट वगैरह की सूरत में है तो फिर आप वहाँ पे जाओ, उसका ऑडिट करो, खुद रिव्यू करो, इन्वेस्टिगेट करो इन चीज़ों को। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, खुद हर चीज़ को देखो क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं, किसके जो है बिहेवियर कैसे है, उन चीज़ों को देखो। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, आप जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो उन लोगों से, ठीक है, आप जो है जहन में जो जो क्वेश्चन आते जाते हैं आप उस बंदे से मौके पर पूछते जाओ, इन डेप्थ एनालिसिस करते जाओ। सेकेंडरी सोर्सेज आपके पास आ सकते हैं कि आप जो है क्या कर लो, इंटरनेट वगैरह से इन्फॉर्मेशन ले लो, गूगल के बारे में पढ़ लो वहाँ से, ठीक है, या ऑलरेडी किसी ने इस टॉपिक पर रिसर्च किया हुआ या क्वेश्चनियर्स फिल किए हुए थे आप वही उठा के उस पर काम कर लो, ठीक है। इंटरनेट से आप डेटा ले सकते हो, गूगल जो है आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसपे हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अदर रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स एंड रेफरेंस बुक, जैसे आपके पास जो है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स आ सकती हैं, आपके पास IFRS का मैनुअल आ सकता है, या जो है और अपने जो है डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स की बुक्स आ सकती हैं, वहाँ से आप जो है आइडिया ले सकते हो। एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट, आप उनसे पूछ सकते हो। गवर्नमेंट एंड ट्रेड रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के बारे में अगर आपने पढ़ना है, ठीक हो गया, गवर्नमेंट बजट वगैरह के बारे में उसकी अपनी रिपोर्ट्स होंगी। आपके पास जो है अपने टेक्निकल जर्नल्स होते हैं जहाँ पे रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश हुए होते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो, बुक्स वगैरह आपको मिल सकती हैं, ठीक है। आपके पास जो है मार्केट में जो है अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे अपनी मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज बैठी होती हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी हमारे मार्केट में कौन से लोग हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की होती है। डेटा फ्रॉम अनदर रिपोर्ट, आप जो है क्या करते हो कि अनदर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हो। लेकिन जैसे आप जो है पेशावर यूनिवर्सिटी है तो पेशावर यूनिवर्सिटी को जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जो है स्टडीज जा सकता है, वो जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट जा सकते हैं, चाइनीज डिपार्टमेंट जाकर वहाँ से डेटा ले सकते हैं। कस्टमर डेटाबेस ले सकते हो आप, और आप जो है क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग का डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हो, कंपनी के रिपोर्ट्स वगैरह स्टेटमेंट्स को देख सकते हो। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।